शुक्ला, वेलकम टू इजी एंथ्रो विद आस्था। मेरे पास कुछ ईमेल आई हुई थी कि इसका एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस क्या है। तो एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस बताने के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको खुद आइडिया होना चाहिए कि आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके वहाँ से एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस को या किसी भी चीज़ के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या फिर उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। स्टिल आप लोगों ने डिमांड की तो फिर मैंने सोचा कि वीडियो भी आप लोगों को एक प्रोवाइड कर ही देती हूँ सिलेबस से रिलेटेड। तो इसके सारे जो भी यूपीएससी ने सिलेबस दिया हुआ है उसका ये रहा पार्ट। पूरे सिलेबस को देखते चलो, मीनिंग स्कोप फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट है, मीनिंग स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड है रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन 1.3, मेन ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी देयर स्कोप एंड रिलेवेंस, इसके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं वो सब। 1.4 में ह्यूमन इवोल्यूशन एंड इमर्जेंस ऑफ मैन। 1.5 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमेट्स, इसमें जो भी चीज़ें आती हैं उनको भी देखते चलिए। 1.6 में फाइलोजेनेटिक स्टेटस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। फिर 1.7 में द बायोलॉजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। फिर 1.8 प्रिंसिपल्स ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। सेकेंड में सेकेंड 2.1 है द नेचर ऑफ कल्चर। 2.2 द नेचर ऑफ सोसाइटी। 2.3 मैरिज। 2.4 फैमिली, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 2.5 किनशिप। 3 इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। 4 में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सोशल कंट्रोल। 5 में रिलीजियन। 6 में एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज। 7 में कल्चर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। 8 में रिसर्च मेथड्स एंड एंथ्रोपोलॉजी, इसमें जो भी मेथड्स हुए हैं एंथ्रोपोलॉजी को लेकर वो सारी चीज़ें। 9.1 में ह्यूमन जेनेटिक्स। 9.2 में मेंडेलिज्म जेनेटिक इन मैन फैमिली स्टडी। सिंगल फैक्टर्स मल्टी फैक्टर्स लीदर सब लीदर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन मैन। 9.3 में कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड सिलेक्शन मेंडेलियन पॉपुलेशन हार्डी विनबर्ग लॉ कॉजेज एंड चेंज विच ब्रिंग डाउन फ्रिक्वेंसी म्यूटेशन आइसोलेशन माइग्रेशन सेलेक्शन इन ब्रीडिंग एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट कॉन्सेंग्यूनियस एंड नॉन कॉन्सेंग्यूनियस मेटिंग जेनेटिक लोड जेनेटिक इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंग्यूनियस एंड कजन मैरिज। 9.4 क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोमल एब्रेशन इन मैन मेथडोलॉजी। 9.5 रेस एंड रेसिज्म बायोलॉजिकल बेसिक ऑफ मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ नॉन मेट्रिक एंड मेट्रिक कैरेक्टर्स रेसियल क्राइटेरिया रेसियल ट्रेट्स इन रिलेशन टू हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बायोलॉजिकल बेसिक ऑफ रेसियल क्लासिफिकेशन रेसियल डिफ्रेंशिएशन एंड रेस क्रॉसिंग इन मैन। 9.6 एज सेक्स एंड पॉपुलेशन वेरिएशन एज जेनेटिक मार्कर ABO ब्लड ग्रुप से रिलेटेड सारी चीज़ें जीन से रिलेटेड चीज़। फिर 9.7 में आ रहे कॉन्सेप्ट एंड मेथड्स ऑफ इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बायोकल्चरल एडेप्टेशन। 9.8 एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। 10 में कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर 11 में 11.1 रिलेवेंस ऑफ मेनार्क मेनोपॉज एंड अदर बायो इवेंट टू फर्टिलिटी फर्टिलिटी पैटर्न डिफरेंशियल्स। 11.2 में डेमोग्राफिक थ्योरीज। 11.3 में बायोलॉजिकल एंड सोशियोकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फेक्यूनिटी फर्टिलिटी नेटिलिटी एंड मोर्टिलिटी। 12 में एप्लीकेशन एंड एंथ्रोपोलॉजी, ये पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड में है। 1.1 इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन इससे रिलेटेड चीज़। 1.2 में पैलियो। 1.3 में इथनो आर्कियोलॉजिकल इन इंडिया। सेकेंड में डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया। 3.1 में द स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन सोशल सिस्टम, इसमें जो भी चीज़ आती हैं इनके अंदर ये मेन मेन हेडिंग बता रहे हैं और इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको देखते हुए और पढ़ते हुए चलना है। 3.2 में कास्ट सिस्टम्स इन इंडिया। 3.3 में इस सेक्रेट कॉम्प्लेक्स एंड नेचर मैन स्प्रिट कॉम्प्लेक्स। हाँ, और फिर 3.4 में इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म जैनिज्म इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी ऑन इंडियन सोसाइटी, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में भी हमको देखने को मिलती हैं बुद्धिज्म जैनिज्म और इस्लाम से रिलेटेड चीज़ें और इनका क्या क्या इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी में पड़ा है उसके बारे में पढ़ना है। 4th में इमर्जेंस
एंड ग्रोथ ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया 5.1 में, इंडियन विलेज 5.2 में, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी एंड देयर सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेटस 5.3, इंडिजिनस एंड एक्सोजिनस प्रोसेस ऑफ सोशियो कल्चरल चेंजेस इन इंडियन सोसाइटी एंड ऑल 6.1 में ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया 6.2 में प्रॉब्लम्स ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी 6.9 में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ रिहैबिलिटेशन डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसी इज एंड ऑल 7.1 में प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सप्लाइटेशन एंड डेप्रीवेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस 7.2 सोशल चेंज एंड कंटेम्प्ररी ट्राइबल सोसाइटी 7.3 द कॉन्सेप्ट ऑफ एथनिटी एथनिसिटी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट है इससे रिलेटेड चीज 8.1 इम्पैक्ट ऑफ हिंदुइज्म बुद्धिज्म क्रिश्चियनिटी इस्लाम एंड अदर रिलीजियन ऑन ट्राइबल सोसाइटी ट्राइबल सोसाइटी में इन सब का क्या इम्पैक्ट पड़ा इसके पहले जो इम्पैक्ट था वो इंडियन सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट था उसका था 8.2 में ट्राइब एंड नेशन स्टेट 9.1 में हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ट्राइबल पॉलिसीज प्लान्स programs of tribal development and their implementation 9.2 में role of anthropology in tribal and rural development 9.3 में contributions of anthropology to the understanding of religionism regionalism communalism and ethic and political movement other parts हैं syllabus से ही related हैं कि paper first में कौन कौन से question आएंगे या कौन कौन से topics आएंगे paper second में क्या आएगा और पेपर सेकंड के पार्ट वन पार्ट टू में क्या आएगा या पेपर फर्स्ट के पार्ट वन और पार्ट टू में क्या आएगा तो उससे रिलेटेड भी आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ कि कैसे आप लोगों को चीज़ों को पढ़ना है ठीक है उसका सिलेबस इस तरीके से है पेपर वन का पार्ट वन इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में आता है व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी डिफरेंट ब्रांच एंड इसका रिलेशनशिप सेकेंड है बेसिक कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी सोसाइटी कल्चर एजुकेशन सिविलाइजेशन ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन में आता है मैरिज फैमिली इकोनॉमिक पॉलिटी रिलीजन सोशल इश्यूज एंड ऑल फोर्थ में आता है कल्चर एंड थॉट्स थॉट्स मीन्स उनके जो थिंकर्स होते थे वो फिफ्थ में कल्चरल इवोल्यूशन इसमें पैलोलिथिक मेसोलिथिक न्यूलिथिक एंड चालकोलिथिक आयरन ऑल दोज थिंग्स सिक्स में लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इसमें पढ़ना है कि हाउ लैंग्वेज ओरिजिनेट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज सेवन में है रिसर्च मेथड इसका जो भी रिसर्च मेथड्स था वो सब पेपर फर्स्ट का ये पूरा पार्ट है पेपर फर्स्ट के पार्ट वन का और पेपर फर्स्ट के पार्ट टू का पार्ट है जिसको फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं उसका है इवोल्यूशन प्राइम फर्स्ट इवोल्यूशन सेकेंड प्राइमेट्स थर्ड फॉसिल्स ये तीनों चीज़ें हमारी इंट्रोडक्शन में कवर हो जाती हैं पेपर वन के फोर्थ में जेनेटिक फिफ्थ में एपिडेमियोलॉजी सिक्स में रेस सेवन में ह्यूमन फिजियो ग्रोथ फिजियोलॉजी ग्रोथ और एट में फिजियोलॉजिकल ग्रोथ एट में ह्यूमन इकोलॉजी एडेप्टेबिलिटी नाइन में एप्लीकेशंस फिर पेपर टू में आते हैं पेपर टू में बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि पेपर टू हमारा पूरा का पूरा इंडिया से रिलेटेड होता है ठीक है तो हमें इसमें सब कुछ इंडिया के ही बारे में पढ़ना रहता है शुरू से लेके अंत तक और बाकी पूरे वर्ल्ड के बारे में पढ़ना होता है तो पेपर टू में पार्ट वन जो है उसमें फर्स्ट टॉपिक है कल्चरल इवोल्यूशन इन इंडिया मीन्स इंडियन प्री हिस्ट्री इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं सेकेंड है डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया रेशियल एंड लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स ऑफ इंडिया फिर थर्ड है बेसिक ऑफ इंडिया सोशल सिस्टम जैसे वारनाथ पुरुषार्थ जजमानी कास्ट ये सब फोर्थ में ग्रोथ ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया फिर फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन विलेज एंड बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे एस्टनाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन डोमिनेंट कास्ट ग्रेट एडिशन अप टू ट्राइब कास्ट ये पेपर टू के पार्ट वन के बारे में हो गया और पेपर टू के जो पार्ट टू है उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्राइब्स के बारे में बात होती है और इसका एक ही टॉपिक है ट्राइबल इंडिया मीन्स इसमें एससी एसटीज और जितने भी ओबीसीज ये सारे ट्राइब्स कास्ट आती हैं वो पेपर टू में आते हैं तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है थैंक यू टिल नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड बाय